नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के सांस्कृतिक सदन में कीर्ति नगर स्थित ये इलाका है, यहां पर खड़ा हूं और यहां पर आज जनप्रतिनिधि सम्मेलन है। यानी कि आपने पंच सरपंच और जिला पार्षद बीडीसी मेंबर को चुन तो लिया, लेकिन अब उनका मान सम्मान या फिर जिस तरीके से आपने वोट के रूप में उनको सम्मान दिया है, सम्मानित किया है, वैसे ही वो लोग आज स्पेशल यहाँ पर पहुँचे हैं। भिवानी के बहुत से गाँव से लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, ये सम्मान समारोह है। फिलहाल मैं जानूंगा, मेरे साथ तारकेश्वर जी हैं, इनसे पहले तो पूछ लेता हूँ, और देव एडवोकेट जी हैं, इनसे पूछ लेता हूँ एक बार ये कार्यक्रम क्या है, किस तरीके से आज यहाँ पर कौन कौन बुलाया आप लोगों ने, कैसा मान सम्मान? भाई साहब, ये कार्यक्रम जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह है। इसके मुख्य अतिथि सुनील भाई साहब हैं, जो कि चीफ हैं HSIDC के। इसमें सभी सरपंच, पंच, जिला परिषद जो भी नए नियुक्त बन के आए उनका स्वागत किया गया है। और आप देख रहे हैं कि लगभग सभी गाँव से नव नियुक्त जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं। तारकेश्वर भाई, कैसे कल तो रिजल्ट आया, आज जिला पार्षद भी निकल के आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हो? ऐसे है भाई साहब, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं बधाई दूंगा यहाँ पहुँचने पर, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और रही बात मैनेज करने की, एक दूसरे से हम सब जुड़े हुए हैं, सभी सम्मानित साथी हैं हमारे, सभी हमारे सम्मानित भाई हैं, तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, हमने तुरंत उनको बधाइयाँ दी और आमंत्रण दिया। राजेश भाई, जिला अध्यक्ष हैं राजेश भारद्वाज जी, और युवा के JJP पार्टी के सरपंच भी बन गए अब तो, मान लो विकास खुल के होंगे अब गाँव में। धन्यवाद विनोद भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आप समय समय पर पूरे भिवानी जिले की सभी समस्याओं को, सभी मांगों को बड़े अच्छे तरीके से आप अपने चैनल के माध्यम से सभी को अवगत कराते हैं। आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। क्या कहेंगे इस तरीके से आज यहाँ मान सम्मान किया जा रहा है आप लोगों का? वैसे तो लोगों ने मान सम्मान इससे बड़ा कुछ नहीं होता, मत दे दिया और मन बना लिया आपके प्रति, या जितने लोग यहाँ पहुँचे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो इनके प्रति आज क्या जिम्मेवारियाँ देखते हैं आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सर्व समाज की ओर से सभी जो नव चयनित हमारे जो सरपंच साहब, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के आज जो हमारा सम्मान समारोह किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। और मैं सभी समाज के, सर्व समाज के जो साथी हैं, उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम चलते रहिए। हम जैसे जो साथी चुन के आए हैं, उनको भी समाज में कहीं ना कहीं किसी की जान पहचान कम होती है, उनको पता भी चलता है कोई साथी यहाँ से बन के आया है, तो मैं सर्व समाज को इसके लिए बड़ा बधाई का पात्र कहूँगा। सुधीर शर्मा जी हैं, प्रोफेसर रहे हैं और प्रिंसिपल रहे हैं, कुछ दिन पहले ही रिटायरमेंट ली और गांव वालों ने एक जिम्मेवारी और दे दी, क्या कहेंगे सर आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कैसे देखते हैं अब, पहले कॉलेज संभाला अब गांव संभालेंगे? विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि भी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो समाज के बारे में कुछ सोचते हैं, जिनका एक चिंतन है, सोच है, विचार है, उनको समाज की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। ये मेरा आग्रह सभी युवाओं से है कि वो इस प्रकार का कदम उठाएं, और जो गांव ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, मैं पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस सर्व समाज के द्वारा जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्य और ग्राम पंचायत के सदस्य और सरपंच के सम्मान के लिए जो आयोजन किया जा रहा है, उनके लिए उनको साधुवाद, क्योंकि सफलता जब मिलती है तो उस सफलता को रिकॉग्नाइज करना, उसका मान सम्मान करना समाज का उद्देश्य होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के सम्मेलन में लोगों से मिलना जुलना हो और आपस में विचार विमर्श करके वो एक दूसरे के साथ सहयोग करें, ताकि अपने गाँव में अच्छी प्रकार से कार्रवाई करके काम कर सकें। मेरा सभी युवाओं से, जो भी ग्राम पंचायत के रूप में सरपंच और पंच के रूप में बन के आए हैं, हमें ये देखना चाहिए कि गांव का असली विकास किस प्रकार से हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को विशेष रूप से महत्व देते हुए वो गांव में कार्य करें, ताकि युवा पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा मिले और वो अपनी शिक्षा के माध्यम से सफलता प्राप्त करके गाँव के लिए फिर वो योगदान दे सकें। कौन से गाँव से आए? सुधीर शर्मा, सरपंच रामबास। अच्छा, तो आज ये कार्यक्रम, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सुनील शर्मा जी पहुँचे हैं, आज ये कार्यक्रम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ आप पहुँचे हैं और सारे लोग आप समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे आज ये मान सम्मान समारोह जो है यहाँ पर स्पेशली किया जाए? मैं इसके लिए जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरा तो एक छोटा सा विचार यही है, जितने भी जिन लोगों को चुना गया है वो गाँव के विकास के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें और अपने गांव में खुशहाली का दौर उत्पन्न करें। धन्यवाद। तो फिलहाल सांस्कृतिक सदन से आपको दिखा रहे थे तस्वीरें, मेरे साथ युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गोड जी मिल गए मुझे। पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा सर, आज इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं और बहुत सारे अंदर आपको जाएंगे तो पंच सरपंच और जिला पार्षद दिखाई देंगे, उन लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? लोगों ने चुन लिया, लेकिन अब वो लोगों को कैसे सुनेंगे, कैसे उनकी जो समस्याएं उनको
देखिए जनता ने उनको बड़ी उम्मीदों के साथ में चुन करके भेजा है, तो उनका परम कर्तव्य बनता है जनता की सेवा करें और सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनको आम जन तक पहुंचा करके उनका लाभ देने का काम करें जी। आज ये कार्यक्रम है, इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम, हालांकि सरकार भी ट्रेनिंग देगी और बहुत सारे ऐसे सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन पंचायतों में आपस में भाईचारा मैनेज होते होते बड़ी मुश्किल हो जाती है लास्ट तक। नहीं नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखते हो चुनाव के समय तक तो प्रतिस्पर्धा रहती है, परंतु उसके बाद में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। ग्राम, हम उम्मीद करते हैं कि ग्राम की पंचायत के अंदर जो काम है, जिला परिषद के मेंबर बने, BDC बने, मिलजुल करके काम करें। सरकार भी चाहती है विकास हो, सबका साथ सबका विकास, वो चाहती है कि वो काम हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी की तो पहले से आइडियोलॉजी रही है सबका साथ सबका विकास। मैं उसी पे आपसे एक सवाल ले रहा हूँ कि जो विकास रुका हुआ था, यूँ माना जा रहा था प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मे था, हो पाता था नहीं हो पाता था, अब विकास खुल के होगा जो रुका पहले भी निरंतर तौर पर हुआ है पीछे की सरकारों के मुकाबले। आप आठ साल के हमारे शासन को देखेंगे कई गुना बेहतर कार्य हुआ है और अब सरपंचों के हाथ में ये जो बागडोर आ गई तो और गति काम को मिलेगी। फिलहाल मेरे साथ मुकेश गौर जी मौजूद थे और ये एक जिला पार्षद भी नया भाई युवा जिला देख से वैसे तो, और ये जीत के आया। राहुल क्या कहेंगे, इतना जोर लगा रखा था, मतलब ये हॉट सीट सी बनी हुई थी। भाई पिछले चुनाव मैंने लड़ा, जब मेरी 221 वोटों से बाई चांस हार हो गई थी, उसके बाद लगातार 7 साल मैंने अपने वार्ड में काम किया और पूरे वार्ड ने, 36 बिरादरी ने कल मुझे 1375 वोटों के भारी अंतर से जिताने का कार्य किया। उसके लिए मैं सभी वार्डवासियों का और खासकर मेरे गांव मुंडाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी भीड़ और हर कोई इस सम्मान समारोह में आ रहा है, मैं हर चेहरे को आप तक ले जाने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर किसी से बात नहीं कर सकता। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, यही तक मैं आपके लिए ये अपडेट लेकर के आया था। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।